देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं सुप्रिया। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। संदेहास्पद परिस्थिति में हुए विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से झूलता मिला शव, दहेज हत्या का लगा आरोप, अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मृतका के पति को किया गिरफ्तार। कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर समाहरणालय में कार्यशाला आयोजित, डीसी उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ई मर्चेंट मैनेजर और व्यापारी हुए कार्यशाला में शामिल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जीत पर गिरिडीह में भी मना जश्न, भाजपाइयों ने गाजे बाजे के साथ निकाला विजय जुलूस, रंग गुलाल से सराबोर हुए भगवाधारी। और स्वच्छता को लेकर आरके महिला कॉलेज में कार्यशाला, छात्राओं ने स्वच्छता मुद्दे पर नप अध्यक्ष से की सीधी बात, क्लीन गिरिडीह ग्रीन गिरिडीह का मसौदा हुआ तैयार। दहेज की बलि बेदी पर फिर एक विवाहिता चढ़ा दी गई। इस बार खबर आई है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहरबारी गांव से। यहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की खबर ने सनसनी फैला दी। मौत की सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की अनुसंधान में जुट गई। इधर विवाहिता के मायके वालों ने मौत को दहेज हत्या करार दिया है। पुलिस ने विवाहिता के शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही विवाहिता के कमरे को सील कर सभी सामानों को भी पड़ताल के लिए जब्त कर लिया है। कि इसके डेथ के पहले उसके साथ मारपीट हुई कि नहीं, सब कुछ आ जाता है। एक साबित हो गया कि मारपीट हुई है, देश का मतलब कि बताया जाता है कि करहरबारी निवासी विक्रम रवानी की 25 वर्षीय पत्नी का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। इस मामले में मृतक के भाई का आरोप है कि कल देर रात को विक्रम रवानी का फोन आया था और अपनी बहन को ले जाने की बात कह रहा था। आज सुबह जब बहन के ससुराल पहुंचे तो बहन की मौत हो चुकी थी। इस मामले में मायके पक्ष ने पति समेत ससुर और देवर को नामजद अभियुक्त बताते हुए मामला दर्ज कराया है। इधर मुफस्सिल पुलिस भी मानती है कि विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इस मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है। फिलहाल पूछताछ के लिए पति को गिरफ्तार किया गया है। बोल रहा था कि इसको ले जाए, संज्ञा सो गई है, पूरा बेहोश है, ऐसे ऐसे बोल के फिर ले गया। अब बोला कि मार दिया। कौन है आपके जीजा जी, क्या नाम? जीजा जी का नाम विक्रम रवानी है और उनके पिताजी का काम देवराम और उसका भाई राजेश कुमार। तो आप लोग आए तो क्या दिखे? हम लोग देखे डेड बॉडी रखा हुआ था सर, और जो जिसमें लटकाया गया बोली कि लटका है वो देखे छज्जे के ऊपर रखा हुआ था। संदेहात्मक स्थिति में मौत हुई है। सूचना मिलने के बाद हम लोग पहुंचे हैं, घटनास्थल का मुआयना किए हैं और जो संबंधित चीज था उसको जब्त किए हैं। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में आने के बाद पोस्टमार्टम देखा जाएगा उसमें क्या है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, हर हाल में उसे जेल जाना होगा। गिरिडीह जिले के सभी सरकारी विभागों को कैशलेस ट्रांजैक्शन से जोड़ने को लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस बाबत सोमवार को डीसी उमा शंकर सिंह ने समाहरणालय में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी और ई मर्चेंट मैनेजर को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में एक और जहां विभिन्न सरकारी विभागों को कैशलेस ट्रांजैक्शन से जोड़ने पर चर्चा की गई, वहीं ग्राहकों की सुविधा पर भी बातचीत की गई। सर हम लोग के पास है सर, अभी हम लोग दिखा सकते हैं।
मैं तुरंत थाना को इन्फॉर्म किया कि सर इस तरह की शंका है, अगर कहीं कल कुछ हुआ है ना तो हमारे पास क्या रहेगा आधार कि हम वो क्या है नहीं है। पंप में तो 100 तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन कभी भी अगर कहीं क्राइम में वो पकड़ा है तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। थाना से और मैंने अपने SBI बैंक को भी तुरंत इन्फॉर्म किया, अपने BPCL कंपनी को भी इन्फॉर्म किया कि ये मुझे शंका है, सत्य क्या है गॉड नोज, शंका है, लेकिन इस तरह इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए मुझे क्या आदेश है। एक अच्छी चीज़ ये चीज़ आपको आए और सबसे पहले बैंक इजीली दे रहा है, आप एप्लीकेशन बैंक से ले सकते हैं या फोन करिएगा तो बैंक में प्रोवाइड करा, ये इसलिए जरूरी है कि जब उससे क्या होगा कि आप उसमें टेक्निकली वेव कर सकते हैं। और मुझे मेरा मानना है कि जैसे ये सक्सेसफुल होगा और ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो सरकार इस गवर्नमेंट को रेंज को बढ़ाएगी, 4,000-5,000 करेगी, क्योंकि सरकार की मंशा यही है ना कि जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सके। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न आपने उठाया कि भाई कस्टमर्स को जब तक फायदा नहीं होगा, कंज्यूमर को जब तक फायदा नहीं हो, कंज्यूमर क्यों इसमें प्रोत्साहित हो। सवालों को बुलाया था और बहुत सारे जो मर्चेंट हमारे हैं उनको बुलाए गए थे, साथ में हमारे ब्लॉक ई मैनेजर, ई मर्चेंट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट ई ब्लॉक मैनेजर, इन सबों को बुलाया गया था। भारत QR के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुँचे, मर्चेंट को कैसे फ़ायदा है और हमारे कंज्यूमर को कैसे फ़ायदा है इसके बारे में हम लोगों को अवेयर कर सकें। हमारे पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसीज, जो गवर्नमेंट मशीनरी से जुड़े हुए होते हैं उनको कैसे इसे जोड़ना है। आप सबों को पता होगा कि गिरिडीह ज़िले में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस, ये दोनों हमारा पूर्णतः कैशलेस हो चुका है। इसके साथ साथ कैसे हम लोग बिजली विभाग को भी इसमें जोड़ें, कैशलेस ट्रांजेक्शन में जोड़ें और अन्य सरकारी विभागों को जोड़ें, उसके बारे में भी मंथन किया गया। तो बेसिकली भारत QR का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके उसको लेकर एक डिटेल वर्कशॉप कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा के जीत का जश्न गिरिडीह में गाजे बाजे के साथ मनाया गया। भाजपा समर्थकों ने शहर में जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। गाजे बाजे के साथ सुन चंपा सुन तारा जैसे प्रसिद्ध गीत पर भाजपाई झूम रहे थे, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे थे और विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष तक उत्साह में लबालब भरे हुए थे। अवसर था गुजरात और हिमाचल के फतह का जश्न। विधानसभा चुनाव में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत क्या हुई, देश विदेश में भाजपा समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। गिरिडीह में भी जीत की खुशियां जोर शोर से मनाई गई। मौके पर विधायक निर्भय सहबादी, जिला अध्यक्ष प्रकाश सेठ, वरिष्ठ नेता सुरेंद्र रॉय, संजीत सिंह पप्पू, सुनील पासवान, कन्हैया ओझा, संदीप डंगैच, विवेश जालान, राजेश पौदार, मणिलाल साहू, हबलू गुप्ता, अनिल मिश्रा, सुखदेव साहू, सदानंद वर्मा, विशाल गुप्ता, दीपक स्वर्णकार, अशोक केसरी, उज्जवल गुप्ता, संजू सिंह, रेखा मंडल, नीतू शोला, रागिनी लहरी, किरण पांडे समेत अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम लोग एक रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए टावर चौक से बड़ा चौक पहुंचे और फिर वापस टावर चौक की ओर लौट गए। मौके पर आतिशबाजी करते हुए भी दो राज्यों में जीत की खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपनी ओर से बधाई दी। आते
जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। गुजरात में लगभग हम समझते हैं कि 27 वर्ष राज करने का जो सपना था वो साकार हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, करिश्माई नेतृत्व में, और लोगों ने, पूरे जनता ने जो दुष्प्रचार था जीएसटी और नोटबंदी का, उसको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बहुमत दे करके एक बार यह साबित कर दिया है नरेंद्र मोदी जी एक निर्विवाद नेता है, और उनके उनके इशारे पे लोग हजारों हजारों लोग चलने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान में पूरे तरह से। अभी तो हमारा और बाकी है, इतने और किला हम ध्वस्त करते जा रहे हैं, एक एक करके किला, कांग्रेस का किला ध्वस्त करते जा रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में और 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज उसमें 2 राज्य और जुट गए, यानी कुल मिलाकर 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारी होंगी, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है उसको मैं तहे दिल से और धन्यवाद देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व में आज जो है हमने हिमाचल प्रदेश को जीता, और पिछले 6 बार से गुजरात में हमारी सरकार बन रही है उसको वहाँ की जनता ने फिर से समर्थन दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। गुजरात और हिमाचल की जीत का जश्न मना रहे हैं, आज बहुमत, पूरी बहुमत के साथ हमारी बीजेपी की सरकार आई है। विरोधियों का काम ही है, वो तो कभी बोल रहे हैं हैंग हो गया है मशीन, और कभी बोल रहे हैं क्या गलत वोटिंग हुई है, लेकिन जिसका जो कहना है कहना है हिमाचल और गुजरात जीत गया। कांग्रेस के इतना विरोध के बावजूद भी आज हमारे सबका साथ सबका विकास लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसके अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आर के महिला कॉलेज में सोमवार को स्वच्छता पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ गिरिडीह बनाने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। आरके महिला कॉलेज में सोमवार को स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव उपस्थित हुए। मौके पर उन्होंने कॉलेज की छात्राओं से स्वच्छ भारत व स्वच्छ गिरिडीह की परिकल्पना पर सीधा संवाद किया। इस दौरान छात्राओं ने नव अध्यक्ष से शहरी क्षेत्र में स्वच्छता, साफ सफाई व अन्य समस्याओं को रखा। इस पर नव अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता कोई कार्य नहीं है, इसे हमें दिल और दिमाग में बैठा कर आदत बनाना होगा। कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम को सिर्फ कार्यक्रम के रूप में ना लेकर इसे जिम्मेवारी के रूप में हर एक शहरवासी को आत्मसात करना होगा। हमें स्वच्छता अभियान को अपनी दैनिक आदतों में शामिल करना होगा। स्वच्छ भारत के अंतर्गत राज्य सरकार अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यह जन सहभागिता के बिना संभव नहीं हो सकता। कहा कि गिरिडीह जिले में लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिना छात्र छात्राओं की सहभागिता से हमारा यह अभियान सफल नहीं हो पाएगा। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी, डॉक्टर गीता डे, डॉक्टर आरती वर्मा, डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर मधुसेन सान्याल, डॉक्टर रजनी वर्मा, निवेदिता चौधरी, मंजीत के अलावे काफी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। निगम की किताब की लिखी हुई बातें हमने कह दिया, किंतु किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारी क्या उसमें रोल है, हम क्या रोल कर सकते हैं इसको सेव करने के लिए। तो पहला रोल आप लोग, पहला जो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग पे, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, किंतु हमारा शहर तो बहुत छोटा सा है। कभी आपने सोचा है कि इस शहर को 21वें पायदान तक लाने में इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? हम इसके लिए भी इनके शुक्रगुजार हैं कि इतनी सारी कठिनाइयों और रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी सर यहाँ तक लेकर के आए। हमारे बच्चे के भविष्य के निर्माता
हमारे शिक्षक, हमारे प्रिंसिपल मैम, सब लोग एक अभियान, एक संकल्प के रूप में आज ले रहे हैं कि मैं शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखूंगा। क्योंकि अब तक मैं जो कार्य कर रहा था उसे हमें लग रहा था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको कार्य का क्या गुणवत्ता है, क्या कैसे मैं कर रहा हूँ, लोग संतुष्ट है या नहीं है, मैं व्याख्या नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज हमें इतनी बड़ी शक्ति के रूप में मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि हमारे शहर के 25,000 होल्डिंग धारक हैं। आज हमारे इस कॉलेज में ही मात्र 6,000 बच्चे हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मतलब 6,000 परिवार से हमें डायरेक्ट जुड़ने का अवसर मिला मैम के द्वारा, यहाँ तमाम शिक्षकों के द्वारा जो मिला उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो शहर के तमाम गणमान्य हमारे शहरवासियों ने हमें जो दायित्व दिया उसको निर्वाह हम कैसे करेंगे, और हमने निर्णय लिया कि शहर में सबसे बड़ी कमियां हैं कि आज शहर की आबादी 1.5 लाख के उस समय था, 1.5 लाख आबादी है, मात्र हमारे पास 50 सफाई कर्मी हैं, कैसे हम सब 1.5 लाख व्यक्ति गंदा करने वाला और 50 व्यक्ति साफ करने वाला कैसे शहर को साफ हो। हमने बैठक करने नहीं लिया और हमने 200 कर्मचारी को मानद के रूप में उनको बहाल किया और सफाई का कार्य आरम्भ किया। हमारे तमाम जो हमारे 20 कर्मचारी को हमने अतिरिक्त कार्य सोफा सफाई के संबंध में आप उसको मॉनिटरिंग करें व्यवस्था के साथ। हमने देखा उसके बाद और क्या करना चाहिए, हमने देखा कि शादी विवाह अन्य कार्यक्रम में जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमने तुरंत तत्काल निर्णय लिया और शहरी क्षेत्र के तमाम वैसे स्थानों पर जहाँ पर गरीब परिवार के लोग रहते हैं वहाँ हमने सामुदायिक भवन की व्यवस्था करा। उस सामुदायिक भवन में वो सारी व्यवस्था, लैट्रिन, बाथरूम, लाइट, शादी विवाह के लिए बच्चे बच्चियों के लिए ड्रेस चेंज करने के लिए रूम, वो सारी व्यवस्था कराएं ताकि उनको समान जो आम जनता का अधिकार है उनको। संत निरंकारी मिशन दिल्ली से आए महाराज ललित मोहन वाजपेयी ने कुटिया मंदिर में लोगों को जीवन का संदेश सुनाया। मौके पर नव अध्यक्ष दिनेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। मन की बीमारियों का मूल कारण प्रभु से मिलन न होना है। उक्त बातें संत निरंकारी मिशन दिल्ली साए महाराज ललित मोहन वाजपेयी ने सोमवार को कुटिया मंदिर में भक्तों को प्रवचन के दौरान कही। उन्होंने उपस्थित लोगों को जीवन का संदेश सुनाया। मौके पर नपध्यक्ष दिनेश यादव सहित धनंजय दास, हरिदास, जी एन गुप्ता, माधुरी देवी, वीरेंद्र दास व अन्य कई मौजूद थे। सदगुरु सत्य का ज्ञान कराता है और सत्य अटल है, शाश्वत है, सनातन है, जैसा था वैसा है, ऐसा ही रहेगा, ये कभी रूप परिवर्तित नहीं होता। ऐसे परमात्मा को जान लेना शासन बहुत बड़ी बात है, जीवन सफल बना लेना है। संत निरंकार बाबा मंडल का जो कार्यक्रम यहाँ गोविंदा धर्मशाला कुटिया मंदिर के नजदीक हर एक वर्ष में एक दो प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे गिरिडीह के संत निरंकार मंडल के माधुरी जी और उनके तमाम सदस्य मंडल में आज हम निरंकार बाबा के जो उपदेश है उनकी जानकारी आज हमें ललित जी महाराज वाजपेयी जी हमारे बीच आए हैं और उनका उपदेश चल रहा है। ये जिससे आज मानव जाति के कल्याण के विषय पर उनका प्रवचन होता है कि मानव जाति के जो हम लोग सब मानव हैं, मानव को कैसे रहना है, उनके उद्देश्य से आज लग रहा है कि तमाम गिरिडीहवासियों को इसको लाभ आए दिन मिलता ही है। चूँकि सबका मकसद एक ही है कि मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति कल्याण के लिए आज उपदेश दे रहे हैं उनके निरंकारी बाबू का जो प्रवचन के माध्यम से हम सबको बहुत लाभ मिल रहा है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर सोमवार को चैतन्य स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक छात्रों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई।
यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 1992 को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की घोषणा की थी। भारत में 18 दिसंबर 1993 को इस दिवस की घोषणा की गई। इस अवसर पर सोमवार को चैताडी स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता साजिद महमूद थे। इस मौके पर यहां अल्पसंख्यक छात्रों को उनके अधिकार की जानकारी दी गई। मौके पर छात्रों ने अपनी समस्याओं से लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन राजेश सिन्हा ने किया, जबकि चांद सरफराज, तनवीर हसन, अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद ताज हसन, रहमत अंसारी, मोहम्मद जनूल आदि मुख्य रूप से बैठक में शामिल हुए। आज अधिकार दिवस के बारे में बताएं। हम अपने अधिकार को मांगते हैं, हम अधिकार को छीन लेंगे। आप बगल में नाली है, बगल में अल्पसंख्यक में पंजाबी भाई आते हैं, क्रिश्चियन भाई आते हैं, बौद्ध भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं और मुस्लिम भाई आते हैं। इसमें आज के दिन की खूबसूरती यह है कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को और बहुसंख्यकों को, जो हमारे बड़े भाई हैं, कैसे बड़े भाई छोटे भाई के तालमेल मिला करके उनके अधिकार हक हकूक को उनको पूरा किया जाए। हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है कि राइट ऑफ इक्वालिटी, पूरे देश में सभी को राइट ऑफ इक्वालिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 15 जो ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन हो ही नहीं सकता, सभी धर्म की इज्जत की जा सकती है। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के में हम लोग आए और यहाँ पर अल्पसंख्यक छात्रावास है, उन लोगों से बात किया, मालूम हुआ कि इनके इतने सारे प्रॉब्लम हैं और आज इनको इतना अधिकार दिया गया कि इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। आज इनकी सुरक्षा की समस्या है, इनके यहाँ इनका गेट टूट गया है, कभी भी कोई घुस सकता है। इनके यहाँ सेप्टिक टैंक जो है वो पूरी तरह से भर गया है, उसको सफाई के लिए ध्यान नहीं दिया जाता। और रात होते ही अल्पसंख्यक आवास छात्रावास जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं अंधेरे में तब्दील हो जाता है। तो एक हेलोजन लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, अंदर में इलेक्ट्रिक वायर टूट गए हैं जिससे कभी भी शॉर्ट सर्किट करंट लग सकता है। एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा बात किया कि हम लोग 100 लड़के हैं लेकिन खेल के कोई साधन नहीं है, तो कम से कम उनको कुछ खेल के साधन दिया जाए, क्योंकि फिट बॉडी में ही फिट माइंड होता है। छीन कर लेने की ज़रूरत है, अफसरों से छीन कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अफसर बड़े बड़े एकदम शांत मिजाज के होते हैं, शांत चित्त अवस्था में रहते हैं, जब तक उनको जगाया नहीं जाए। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि जो आज के दिवस में ही हम लोग ये प्रण लें, ये लगातार उनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी की जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से एकदम उपेक्षा कर रही है। और उपेक्षा का दरमियान में ही आज देखा जा रहा है कि जो हमारे साजिद भाई ने बताया कि यहाँ इतना प्रॉब्लम है, यही अगर दूसरे जगहों पर रहता तो वो तुरंत काम करते हैं, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। और जो भी नेता जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार सिर्फ वोट के समय ही नहीं आके हाथ जोड़े, वो लगातार उनके प्रॉब्लम को भी सुने, चेक करें। जब यहाँ से कंप्लेन उसको जाता है तो वो फ़ोन करते हैं कि आ रहे हैं, 3-4 दिन के बाद आते हैं, वो फिर कंप्लेन लेके चल जाते हैं, लेकिन वो कुछ इसका सुनवाई नहीं करते हैं। तो ऐसा इंचार्ज जो हमारे यहाँ पे हैं, वो इंचार्ज को दूसरा इंचार्ज लाया जाए। कोई चीज अगर बोलें कि गेट का चोरी वोरी हो जाता है तो मतलब गेट में कोई सिक्योरिटी चाहिए हम लोग को, तो सिक्योरिटी जगा के वो बोले कि उतना सरकार की अभी फंड से नहीं मिल सकता। तो हम कहना चाहते हैं कि जो इंचार्ज हैं वो तो अपना फंड से नहीं दे रहे, ये गवर्नमेंट का चीज़ है। तो सरकार जब पहले सिक्योरिटी यहाँ पे रहते थे, जिससे अभी 2-3 साल से सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, तो उसका भरीफाई कैसे हो रहा, पहले क्यों था। नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव ने वार्ड नंबर 23 में एक सड़क का नामकरण किया। इस वार्ड में एक सड़क का नामकरण स्वर्गीय रामदेव प्रसाद यादव मार्ग रख दिया गया। नपा अध्यक्ष दिनेश यादव ने सोमवार को वार्ड नंबर 23 में एक सड़क का नामकरण किया। इस मौके पर यहां वार्ड पार्षद मंजू देवी, मुकेश यादव, धीरन यादव, डब्बू समेत कई लोग मौजूद थे। दिनेश यादव ने नारियल तोड़कर एवं अनावरण कर इस सड़क का नामकरण स्वर्गीय रामदेव प्रसाद यादव मार्ग के नाम से कर दिया। कोर्ट में 2008 से जो 2008 से 2013 तक का जो टेनियर था, उस समय ही नगर निगम के बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पूर्व वार्ड पार्षद श्री स्वर्गीय रामदेव यादव के नाम से एक रोड का नामकरण होना चाहिए। उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर नामकरण का अधिकार
प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इससे उनका नाम दरियाडी हुआ करता था। दरियाडी बहुत लंबे क्षेत्र था और पीछे दिन कोर्ट का कोई नाम नहीं था, इसलिए आज हम लोग स्वर्गीय रामदेव यादव मार्ग के नाम से नामकरण किए हैं, क्योंकि जो बहुत लंबे अरसे से नगर परिषद में वार्ड परिषद थे और उनका नगर अपने वार्ड में बहुत ही बड़ा योगदान रहा था, इसलिए आज हम लोगों ने नगर उनके नाम से इस रोड का नामकरण किया। आसंदी फाउंडेशन एवं कला संगम के संयुक्त तत्वाधान में 21 दिवसीय निःशुल्क अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को संस्था की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आसंदी फाउंडेशन और कला संगम की ओर से गिरिडीह में 21 दिवसीय निःशुल्क अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। शहर के रजगड़िया धर्मशाला में 26 दिसंबर से इस कार्यशाला का शुभारंभ होगा, जिसमें प्रतिभागियों को नाट्य अभिनय के गुर सिखाए जाएंगे। इस बाबत जानकारी देते हुए संस्था के सदस्यों ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रतिभागियों का चयन ऑडिशन के आधार पर किया जाएगा, जो कि 24 दिसंबर को रजगड़िया धर्मशाला में लिया जाएगा। बताया गया कि इस कार्यशाला में कई प्रख्यात रंग कर्मियों द्वारा प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाएगी। प्रेस वार्ता में संस्था के अनिल सिकदार, दीपक चौधरी, सतीश कुंदन समेत अन्य लोग उपस्थित थे। 26 तारीख से 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा और फिर जैसे जैसे इसमें प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, जैसे प्रोडक्शन का बढ़ेगा इसका अवधि और बढ़ेगी। इसके बीच में हम लोग एक नाटक भी तैयार करके उसका प्रस्तुति 15, 16, 17, 18 तारीख के बीच में किसी एक दिन हम लोग तय करके करेंगे और इसका ऑडिशन जो है 24 दिसंबर को इसका ऑडिशन होगा। ऑडिशन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे 30 प्रतिभागी को और 25 उसका रिजल्ट देंगे और 26 से कंटिन्यू हम लोग 1 से 4 बजे तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके लिए ऑडिशन 24 तारीख को किया जाएगा। आसंदी फाउंडेशन के द्वारा जो रांची से इसमें एनएसडी के प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रंगमंच ऐसा है कि क्योंकि नाट्य विधा धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोग इसकी ओर आकर्षित कम हो रहे हैं। आजकल के जो युवा हैं उनका आकर्षण कम हो रहा है, ज़्यादातर लोग फिल्मों की ओर और अन्य सीरियल्स की ओर भागते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा ये करना चाह रहे हैं कि इसमें आए। ऐसा नहीं है कि हम इसमें इस्टेब्लिश नहीं कर सकते या जैसे हम फिल्मों में जाके जितना नाम कमाते हैं थिएटर में। पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज स्कूल में ये इंडिया का टाइम है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रकाश पुंज स्कूल पांडेडी सिरसिया में सोमवार को ये इंडिया का टाइम है नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक निर्भय शहबादी और गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की गई। वहीं स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर वर्मा, पांडेडी के मुखिया दिलीप वर्मा, सिरसिया की मुखिया फूल देवी, विकास अग्रवाल, संजय सिन्हा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ఆదుకుందమా
శుభ్రత మర్చిపోయినాం, దోమా కాటులతో మనం రోగులయ్యినాం. संदेहास्पद परिस्थिति में हुए विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से झूलता मिला शव, दहेज हत्या का लगा आरोप, अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मृतका के पति को किया गिरफ्तार। कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर समाहरणालय में कार्यशाला आयोजित, डीसी उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ई मर्चेंट मैनेजर और व्यापारी हुए कार्यशाला में शामिल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जीत पर गिरिडीह में भी मना जश्न, भाजपाइयों ने गाजे बाजे के साथ निकाला विजय जुलूस, रंग गुलाल से सराबोर हुए भगवाधारी। और स्वच्छता को लेकर आरके महिला कॉलेज में कार्यशाला, छात्राओं ने स्वच्छता मुद्दे पर नप अध्यक्ष से की सीधी बात, क्लीन गिरिडीह ग्रीन गिरिडीह का मसौदा हुआ तैयार। दहेज की बलि बेदी पर फिर एक विवाहिता चढ़ा दी गई। इस बार खबर आई है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहरबारी गांव से। यहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की खबर ने सनसनी फैला दी। मौत की सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की अनुसंधान में जुट गई। इधर विवाहिता के मायके वालों ने मौत को दहेज हत्या करार दिया है। पुलिस ने विवाहिता के शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही विवाहिता के कमरे को सील कर सभी सामानों को भी पड़ताल के लिए जब्त कर लिया है। कि इसके डेथ के पहले उसके साथ मारपीट हुई कि नहीं, सब कुछ आ जाता है। एक साबित हो गया कि मारपीट हुई है, देश का मतलब कि बताया जाता है कि करहरबारी निवासी विक्रम रवानी की 25 वर्षीय पत्नी का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। इस मामले में मृतक के भाई का आरोप है कि कल देर रात को विक्रम रवानी का फोन आया था और अपनी बहन को ले जाने की बात कह रहा था। आज सुबह जब बहन के ससुराल पहुंचे तो बहन की मौत हो चुकी थी। इस मामले में मायके पक्ष ने पति समेत ससुर और देवर को नामजद अभियुक्त बताते हुए मामला दर्ज कराया है। इधर मुफस्सिल पुलिस भी मानती है कि विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इस मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है। फिलहाल पूछताछ के लिए पति को गिरफ्तार किया गया है। बोल रहा था कि उसको ले जाओ, संज्ञा सो गई है, पूरा बेहोश है, ऐसे ऐसे बोल के फिर ले गया। अब बोला कि मार दिया। कौन है आपके जीजा जी, क्या नाम? जीजा जी का नाम विक्रम रवानी है और उनके पिताजी का काम देवराम और उसका भाई राजेश कुमार। तो आप लोग आए तो क्या दिखे? हम लोग देखे डेड बॉडी रखा हुआ था सर, और जो जिसमें लटकाया गया बोली कि लटका है वो देखे छज्जे के ऊपर रखा हुआ था। संदेहात्मक स्थिति में मौत हुई है। सूचना मिलने के बाद हम लोग पहुंचे हैं, घटनास्थल का मुआयना किए हैं और जो संबंधित चीज था उसको जब्त किए हैं। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में आने के बाद पोस्टमार्टम देखा जाएगा उसमें क्या है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, हर हाल में उसे जेल जाना होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने को लेकर डीसी उमा शंकर सिंह ने समाहरणालय में एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ई मर्चेंट मैनेजर और व्यापारी गण शामिल हुए।
गिरिडीह जिले के सभी सरकारी विभागों को कैशलेस ट्रांजेक्शन से जोड़ने को लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस बाबत सोमवार को डीसी उमा शंकर सिंह ने समाहरणालय में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुए विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से झूलता मिला शव, दहेज हत्या का लगा आरोप, अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मृतका के पति को किया गिरफ्तार, कैशलेस ट्रांजेक्शन को लेकर समाहरणालय में कार्यशाला आयोजित, डीसी उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ई मर्चेंट मैनेजर और व्यापारी हुए कार्यशाला में शामिल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जीत पर गिरिडीह में भी मना जश्न, भाजपाइयों ने गाजे बाजे के साथ निकाला विजय जुलूस, रंग गुलाल से सराबोर हुए भगवाधारी। और स्वच्छता को लेकर आरके महिला कॉलेज में कार्यशाला, छात्राओं ने स्वच्छता मुद्दे पर नप अध्यक्ष से की सीधी बात, क्लीन गिरिडीह ग्रीन गिरिडीह का मसौदा हुआ तैयार। तो ये था हमारा आज का अंक, आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ विशेष खबरों के साथ, तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।